जाता हुआ शॉर्टकट रास्ता 8 सितंबर 2023। ये श्री चक्र भवन के सामने से पास होते हुए दाहिने रास्ता जाता हुआ रोड के माध्यम से श्री चक्र तीर्थ का मेन गेट और उसके बाद आदि शक्ति माँ ललिता देवी के दर्शन। और ये रास्ता बाएं ब्यास गद्दी तिराहे से दाहिने निकल जाएंगे तो आदि गंगा माँ गोमती। मौसम अपेक्षाकृत सवेरे सवेरे तो अभी बहुत तगड़े बादल थे, लेकिन इस समय बाबा की अतुकी कृपा और महाकाल की प्रेरणा के बल गुरु इंद्रदेव ने तो थोड़ा खोल रखा हम लोगों के लिए, जिससे हम जा सकें। ये श्री रामेश हनुमान मंदिर, सूर्यदेव पीछे से गोपेश्वर धाम शिवाला के पीछे से दर्शन देने को तैयार। आर्यनक के रूप का ये स्थान, दोनों तरफ खाली स्थान है। इन जगहों का इस्तेमाल आने जाने वाले भक्त और दर्शनार्थी ODF के बावजूद खुले में शौच के लिए करते हैं, जिसकी वजह से पवित्रता यहाँ की उतनी ज़्यादा नहीं रहती और ऐसी गंध आती रहती जो कि शायद नहीं आनी चाहिए। इस पे ध्यान देना चाहिए जो जिम्मेदार हैं इस युग चक्र तीर्थ के नैमिष तीर्थ, जो कि 5 कोस तक माना जाता है इसका एरिया। कम से कम यहाँ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और मोबाइल टॉयलेट्स होने चाहिए। सीधे जाके दाहिने रास्ता ये हनुमानगढ़ी और आदिगंगा माँ गोमती, और सीधे व्यास गद्दी को रहता रास्ते रहा पशुपतनाथ महादेव मंदिर। साइड से ये हॉकर आके अपना डेली बिजनेस ऑन साइकिल करते हुए यहाँ से दाहिने रास्ता से हनुमानगढ़ी और श्री राम जानकी मंदिर, जो कि मारवाड़ी परिवार वालों का है, और सीधे जाके आप महादेव मंदिर, जहाँ श्री रामचंद्र जी ने 10 अश्वमेध यज्ञ किए, और ये छोटे छोटे मंदिर हनुमानगढ़ी को जाता रास्ता ता सौंदर्यकरण में बिल्कुल चमक जाएगा। और ये टॉप हल्की सी चढ़ाई, उसके बाद दर्शन के आदि गंगा गोमती। नीचे के हिस्से में सौंदर्यकरण में कंस्ट्रक्शन होते हुए, वास्तव में कंस्ट्रक्शन ज़्यादा नहीं होनी, 10 अश्वमेध घाट नैमिषारण्य, पीछे पीछे वो होकर चलता हुआ सीधे रास्ता ऊपर से नीचे पैदल मार्ग, ऊपर सीढ़ियों से नीचे आ सकते हैं। आठ सितंबर 2023 आभाद्र कृष्ण नवमी, आदि गंगा माँ गोमती के दर्शन। आदि गंगा माँ गोमती वशिष्ठ जी की पुत्री